इम्तियाज़ जलील साहब से ये दरख्वास्त करते हैं हम कि जो है माफ़ी मांगनी चाहिए उलमा से और अपना मौकफ़ जो है वो क्लियर करना चाहिए, वो देखना चाहिए कि भाई हमारा मौकफ़ क्या है, हम किस अंदाज में कह रहे हैं। बस यही हमारी दरख्वास्त उनसे है। और आइंदा तमाम सियासी जमात के जो सियासी लीडरान हैं तो ये अपनी सियासत में उलमा को घसीटने से ये परहेज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हम सब जानते हैं कि कोल्हापुर में जो फसाद बरपा किया गया, जो मस्जिद पर हमला किया गया, मुसलमानों के इमलाक पर हमला किया गया और बहुत ही घिनौनी साजिश यहाँ पर रची गई, तो हम सब ये जानते हैं कि ये बहुत ऐसा जुर्म है कि इस्लाम यानी इंसानियत को शर्मसार करने वाला जुर्म। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे ये निवेदन देने के लिए कि उन पर जो भी इसके कसूरवार है, जो भी खाती है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जल्द अज जल्द जो है उसकी सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि कोई इसके बाद अभी दोबारा ऐसी करने की हिम्मत न करे, क्योंकि मस्जिद जो है वो मुसलमानों का एक आस्था मुसलमानों की इससे जुड़ी हुई है। कुरान करीम की बेहरमती की गई, मस्जिद पर चढ़ के मस्जिद के मीनारों पर हथौड़े बरसाए गए और मस्जिद के अंदर जूतों समेत जाकर जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, जहाँ से खुतबा दिया जाता है, उस पर हथियारों से और डंडों से जो है उस पर हमला किया गया। एक बहुत ही घिनौनी हरकत ये की गई। हम उसकी पुरजोर अंदाज में मजलिस अइम्मा व मौज़िन औरंगाबाद की जानिब से मजम्मत करते हैं। इसीलिए हमारा उलमा का ये वफ्द यहाँ पर आया था डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में और हमने निवेदन दिया कमिश्नर साहब को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें हमने ये मांग की कि पहले तो खातियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दूसरी हमने मांग ये की कि मुसलमानों का जो वहाँ पर नुकसान हुआ है, जो होटलें उनकी जो है तोड़ फोड़ की गई और जो उनकी माल को जो है नष्ट करने की कोशिश की गई, बहुत भारी मात्रा में जो है मुसलमानों का माली नुकसान भी हुआ है, तो हुकूमत जो है उस नुकसान की भरपाई खुद करे या फिर जो बलवाई है जो जिन्होंने वहाँ पर आतंक मचाया उनके ज़रिए से उन मुसलमानों की इमलाक की भरपाई करके दे, ये हुकूमत का काम है। दूसरी बात यह है कि आज जो मुसलमान जिन हालात में है कोल्हापुर के, ये जो है जो हालात अभी वहाँ चल रहे हैं, तो अभी ये ज़रूरत है कि उसकी उनके लिए बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी की जाए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो पार्टियाँ की तरफ से, आला कमान की तरफ से, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई उन्होंने आकर मुसलमानों के जख्म पर मरहम रखने की कोशिश नहीं, तो ये क्या बात होगी कि इलेक्शन के वक्त में आपको मुसलमान याद आते हैं, इलेक्शन के वक्त में जब वोट चाहिए होता है आप मुसलमान के मसीहा बनते हो आके, और जब मुसलमान तकलीफ में आता है, जब मुसलमान परेशानी में आता है तो आप आँख बंद कर लेते हैं। तो ये वन साइडेड मोहब्बत चल रही है, वन साइड लॉ चल रहा है कि इलेक्शन में मुसलमान हमें वोट देंगे, ये समझ बैठे हैं कि मुसलमान हमारी वोट बैंक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान अब जाग चुका है, एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलने वाली, जैसे तुम हमारे साथ में खड़े रहोगे तो हम तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे, ये नहीं होगा कि हम सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े रहे और तुम जब हम पर हालात आए, मुसलमानों की चाहे वो मुसलमानों की किसी भी मुद्दे की बात हो, चाहे रिजर्वेशन की बात हो, आप आंखें बंद कर लेते हो, तो ये कौन सी आपकी सियासत है और ये कौन सा अपने आप को आप जो है सेकुलर बताते हो, सेकुलर पार्टी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये लोग जो है जब मुसलमानों पर मुसीबत आती है तो ये आंखें मूंद लेते हैं। तो अब यही होगा कि तुम जो करोगे, एक शायर ने कहा है कि गुलाब दोगे गुलाब देंगे, मोहब्बतों का जवाब देंगे, और वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बस अब बहुत हो गया, मुसलमानों ने एक तरफा बहुत निभा ली, अब जो है इंशाल्लाह हम जो है अगर अभी भी ये लोग जो है मुसलमानों के हक़ में खड़े नहीं होते गए और मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते और कोशिशें नहीं करते गए, तो फिर अगले इलेक्शन में जो है इनका बायकाट किया जाए। उस पर मजलिस अइम्मा व मौज़िनीन का इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो ये बात है, देखो अभी मुसलमानों के जान माल पर जो है आफत आई है, ये इंशाल्लाह इस मुद्दे पे बाद में बात की जाएगी, लेकिन ये मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम उलमा की जानिब से इम्तियाज़ जलील साहब को कि किसी भी चीज़ का टोकरा ला कर उलमा पर डाल दें कि ये तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ और ये तुम आगे आना चाहिए, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। उलमा ने अगर ताईद भी की है तो वो मिल्लत और कौम की मफाद के लिए उन्होंने ताईद, इसका मतलब नहीं है कोई अगर खरा ना उतरे जो है तो फिर वो गलती जो है ताईद करने वालों की होगी। तो किसी भी तरीके से उलमा को जो है यूं कहना कि भाई तुम आगे आओ और तुम ये करो, तुमने जो है रोड पर आए थे बड़े बड़े किबार उलमा हमारे हिंदुस्तान के, वो भी हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी जो है
अपना मौकिफ जाहिर किया था कि भाई इनको वोट देना चाहिए। आपने जो कहा है मुतलकन कहा है, इसमें तमाम उलमा की दिलाजारी हुए, तमाम उलमा को आपने यूँ कहा है कि मौलाना लोगों ने आना चाहिए, मौलाना लोगों ने आगे आना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। चेजाए कि आपने उस पर वजाहत दी, लेकिन वजाहत भी कोई ऐसी नहीं थी। आपका कहना है कि वो सियासी उलमा को कहा गया, तो ये वजाहत में जो है जो जैसी वजाहत होना चाहिए थी, हम ये नहीं कहते आप वजाहत करो, आपका काम है कि आप जो है उलमा से जो है ऑन कैमरा आके आप माफ़ी मांगे। आपको जिससे प्रॉब्लम है आप उसका नाम लीजिए, जो लोग जिनके बारे में आप कहना चाह रहे हैं आप उनका नाम लीजिए। चंद दो चार की वजह से आप पूरे उलमा बिरादरी को कह रहे हैं कि मौलाना लोगों ने ऐसा किए, ये जो है मुतलकन होता है और इसको जो है उमूम समझा जाता है। आपने तमाम उलमा को जो है, इसमें मुल्क के बड़े बड़े उलमा भी शामिल है, तो इम्तियाज़ जलील साहब से ये दरख्वास्त करते हैं हम कि जो है माफ़ी मांगनी चाहिए उलमा से और अपना मौकिफ जो है वो क्लियर करना चाहिए, वो देखना चाहिए कि भाई हमारा मौकिफ क्या है, हम किस अंदाज में कह रहे हैं। बस यही हमारी दरख्वास्त उनसे है। और आइंदा तमाम सियासी जमात के जो सियासी लीडरान हैं, तो ये अपनी सियासत में उलमा को घसीटने से ये परहेज़ करें। कोई भी यूँ नहीं कह सकता कुछ हुआ तो भाई वो मौलाना लोगों ने की, मौलाना लोग जो काम करते हैं, उलमा जो काम करते हैं, ये मौलाना लफ्ज़ ही ऐसा है कि ये अंबिया के वारिसिन के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी भी टोपी दाढ़ी वाले को मौलाना कह के नहीं पुकार सकते, उसका नाम है, आप उसका नाम लेकर बोलिए।